कैंसर कितना लोडेड शब्द है ना ये। जब भी ये शब्द सुनते हैं तो किसी ना किसी अपनी की झलक आंखों के सामने आ जाती है। पहले हम सोचते थे कि कैंसर औरों को होता है, पर पिछले इन 10-15 सालों में कैंसर अपनों को होने लगा है। हम अक्सर सुनते हैं कि देखते भी हैं कि किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया ताकि वो अपनों को बचा सके। दोस्तों, कैंसर होगा ही नहीं, ऐसी तो कोई टिप देना बहुत मुश्किल है। कैंसर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रॉमा होता है उसे जरूर अवॉइड किया जा सकता है, और उसकी टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। हाय, मैं सोनल जैन, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और मैं इंश्योरेंस को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी नेसेसिटी है, एक असेंशियल प्रोडक्ट है आज हमारी लाइफ का, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बावजूद इसकी इम्पोर्टेंस समझने के बजाय ये ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। इसीलिए ये एक स्पेशल वीडियो है, आज 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे के दिन, जब मैं आपसे फाइनेंशियल कैंसर सर्वाइवल के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर हमारा सबसे लिमिटेड कंट्रोल है। पहले हम ये सोचते थे कि स्मोकिंग से या टोबैको कंज्यूम करने से कैंसर होता है, पर आज ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस उठ के सामने आई हैं जो कहती हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मे बी माइक्रोवेव का यूज, प्लास्टिक बॉटल्स का यूज, कॉस्मेटिक का यूज, प्रिजर्वेटिव का यूज से भी कैंसर हो सकता है। तो हम अपने आप को हेल्दी रखने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को इन चीजों से दूर रखने की भी कोशिश कर सकते हैं, पर इस रिस्क फैक्टर को जीरो नहीं कर सकते। हम अपने आप को 100% सेफ नहीं कर सकते। आज अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो हर 10th पर्सन इन द वर्ल्ड किसी ना किसी स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रहा है। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम 2 स्टेप्स लें। सबसे पहला कि अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराते रहें। उससे ये होगा कि अगर कहीं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, अर्ली प्रोग्नोसिस हो सकता है, और शॉर्ट में उसकी ट्रीटमेंट को फिनिश ऑफ किया जा सकता है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप ये लेना जरूरी है कि हम हमारे लिए, फैमिली में दूसरे मेंबर्स के लिए एक कैंसर कवर प्लान लें। जी हाँ, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एक बैकबोन का होना जरूरी है जो कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान दे, और कैंसर कवर प्लान यही करेगा। आप कहेंगे मेडिक्लेम है। यस, मेडिक्लेम आप कैंसर पेशेंट का ध्यान तब रख सकता है जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पर आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं जो मेडिक्लेम कवर नहीं कर सकता, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंस या और कोई ऐसी छोटा मोटा टेस्ट जो उस आपके मेडिक्लेम प्लान में कवर नहीं हो रहा। ऐसे में कैंसर केयर प्लान आपको बहुत हेल्प करता है, और इसीलिए LIC ने एक बहुत ही यूनिक प्लान लॉन्च किया है, दैट इज LIC कैंसर कवर प्लान। अच्छा, कैंसर पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस वक्त ट्रीटमेंट के साथ साथ होता है कैश इन हैंड। कई बार अगर हम छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है या स्पेशलिटी नहीं है, तो फैमिली को सिटीज में रिलोकेट होना पड़ता है, और रिलोकेशन मतलब खर्च। तो चाहिए कैश। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए हमें कैश की जरूरत पड़ती है। एंड ऐसे में अगर घर में कोई पेशेंट है या हम खुद जो ब्रेड विनर है वो खुद ही अगर पेशेंट है, तो ऐसे में जॉब या बिजनेस दोनों कहीं ना कहीं इग्नोर हो ही जाते हैं, पर कैश की जरूरत तो खत्म नहीं होती। तो कैंसर कवर प्लान ऐसे में किस तरीके से हेल्प करता है? अगर डिटेक्शन मेजर स्टेज पर है तो ऐसे में 100% पे आउट फैमिली को मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ उसका 1% जो भी आपने कवर लिया है उसका 1% हर महीने फैमिली को मिलता है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। सपोज कि जो भी पेशेंट है उनका कवर लिया गया था 50 लाख रुपए का, तो मेजर केस डिटेक्शन के टाइम पे वो पूरा का पूरा 50 लाख रुपए ट्रीटमेंट या अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको मिल जाता है। साथ ही साथ उसके बाद आने वाले 10 सालों में 1% ऑफ दैट मतलब 50,000 रुपए हर महीने फैमिली को मिलता रहेगा। एंड अगर इन केस पेशेंट रिकवर नहीं भी कर पाते हैं तो भी अगले 10 साल तक ये पैसे मिलते रहेंगे। ये बात थी मेजर स्टेज डिटेक्शन की। लेकिन अगर माइनर स्टेज डिटेक्शन है, जैसे हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में 25% जो भी आपका कवर है उसका पे आउट मिल जाता है। मतलब अगर 50 लाख का कवर है तो 50 लाख का 25% यानी 12.5 लाख रुपए फैमिली को उसी वक्त मिल जाते हैं। उसके आगे के कुछ टाइम के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं। एंड अगर बाद में मेजर स्टेज तक ये केस जाता है
तो बचे हुए 75% का भी पे आउट मिल जाता है और आगे का हर मंथ का 1% का इनकम भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक प्लान जो है हमारे बड़ों की तरह हमारे साथ एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। जैसे बड़े घर के बड़े जो होते हैं वो बुरे वक्त में हमारा सपोर्ट बन जाते हैं, दे स्टैंड बिहाइंड अस कि कुछ भी हो मैं हूँ। द सेम वे ये प्लान एक बैकबोन की तरह खड़ा रहता है फ्रॉम डिटेक्शन टिल द इनकम। इसके लिए डिटेक्शन के बाद तुरंत जो डिटेक्शन का पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आपको LIC के ब्रांच में सबमिट करना होता है, बस कोई और पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। कितनी बीमारी के वक्त हमारी आधी लड़ाई तो हम तभी जीत जाते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे पास उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो खत्म हो चुका है। हमारे पास उस चीज का कम से कम समाधान हो कि मेरी फैमिली को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मेरे किसी भी एसेट को, मेरी मेहनत की कमाई, सेविंग्स को सेल ऑफ नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी आधी लड़ाई तो मैं वहीं जीत जाता हूँ उस बीमारी के दौरान। और अगर आधी लड़ाई जीत ली तो ट्रीटमेंट का असर भी आपके ऊपर जल्दी होता है। कोई भी ट्रीटमेंट के दौरान पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, और अगर स्ट्रेस कम है या ना के बराबर है, स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो पॉजिटिविटी बनाए रखने में बहुत आसानी होती है। इस बारे में अपने फैमिली में डिस्कस कीजिए। अगर आप इस प्लान से रिलेटेड और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपके प्रीमियम्स इसके बारे में बता दिए जाएंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ये जब पूरा प्लान जो है कोई बहुत कॉस्टली प्लान नहीं है, 30 साल की उम्र के लिए इंसान के लिए अगर वो ये प्लान लेता है, 15 लाख का प्लान लेता है, तो सिर्फ 3,000 रुपए साल के लगते हैं। मतलब आपके महीने का, मैं कहूंगी दिन का शायद 10 रुपए, शायद 10 रुपए से भी कम। तो जरूर इस बारे में सोचिएगा और अपने आप के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि प्लान लेने का मतलब कभी नहीं होता कि हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना। हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, इन रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने की हमेशा कोशिश रखनी है। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस की जरूरत सभी को होती है।